आदमी फिसलकर बाथटब के अंदर गिर जाता है। ऊपर से ये हेयर ड्रायर उड़ते हुए इसी की ओर आ रहा था। आदमी उससे बच पाता, लेकिन इससे पहले ही उसे एक जोरदार का शॉक लगता है। अगली सुबह मेड आकर आदमी को जगाता है और मन ही मन कहता है, क्या फुद्दू आदमी है, पर आदमी उसे सुन लेता है। वो इस बात पर इतना ध्यान ना देते हुए ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है। बाहर आते ही महिला उसके लिए सीटी बजाकर टैक्सी बुलाती है, जिससे आदमी उसे थैंक यू बोलता है। बदले में महिला मन ही मन बोलती है, कोई बात नहीं कंजूस की औलाद। ये सुनकर आदमी कहता है, रहने दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। और पीछे से वो महिला फिर से कहती है, शायद मैं किसी दिन इसके रॉकेट का सवारी कर सकता। थोड़ा आगे जाने पर आदमी को एक और लड़की दिखती है, जो मन ही मन अपनी खराब हुई कॉफी मशीन के बारे में बरबरा रही होती है। आदमी अब हैरान है, क्योंकि उसे अब हर एक महिला की मन की बात सुनाई देने लगी थी। हालांकि वो किसी भी मर्द की मन की आवाज सुन नहीं पाता। दरअसल ऐसा उसके साथ रात में खाया हुआ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो रहा था। तभी उसके सामने से पूरी महिलाओं की फौज आ रही थी और आदमी अब उनके बीच फंस जाता है, जिस वजह से उसे अब इनमें से हर एक लड़की की मन की बात सुनाई दे रही थी।